गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो इंजीनियर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है वो टोटल स्टेशन है, इस तरीके से बैग में आया है और इसके अंदर जो होता है हमारा केस होता है। तो चलिए केस देखते हैं। तो ये है हमारा टोटल स्टेशन का केस और हमारे टोटल स्टेशन का नाम है हाई टारगेट और इसके ऊपर और भी डिटेल्स लिखी है, आप लोग देख सकते हो। नेम टोटल स्टेशन तो है ही, मॉडल नंबर ZTS 320R, एजुकेशनल एडिशन। अब ये जो एजुकेशनल एडिशन होता है ना, ये ज्यादातर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के लिए ही यूज किया जाता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो और अच्छे से एलोबरेट कर पाए। अब इसमें क्या इसकी डेफिनेशन एजुकेशनल की, ये हम लोग इसे खोलने के बाद समझते हैं। तो ये हमारा टोटल स्टेशन है हाई टारगेट का, जैसे आप लोग देख सकते हो। सूटकेस की तरह यहाँ पे क्लिप्स दिखाई देगी आप लोगों को, इस तरीके से ओपन करना है और आराम से इसे ओपन करेंगे। ओह बहुत बढ़िया। तो ये हमारा टोटल स्टेशन है और सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, हमारी मैनुअल दिख रही है यहाँ पर, इसे हम लोग थोड़ी देर साइड में रखते हैं। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर की डिस्क है हमारे लिए, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हमारे पीसी में। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर बैटरी दिख रही है एक, बढ़िया। यहाँ पे 3000 mAh की हमें बैटरी दिखाई दे रही है, आराम से 3-4 घंटा जो है हम लोग साइट के ऊपर इससे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सनवे की बैटरी है हमारी। और इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमें ये केबल दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ वाला हमारा टोटल स्टेशन नहीं है तो हमें यहाँ पर एक USB केबल दिखाई देगा आप लोगों को। ये केबल आपको हमेशा अपने टोटल स्टेशन के साथ संभाल के रखना है क्योंकि ये रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है। ये से भी साइड में रखते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं बैटरी देख लिया, यहाँ पर मुझे चार्जर दिखाई दे रहा है, काफ़ी हेवी चार्जर दिखाई दे रहा है, अच्छा चार्जर है ना, वायर भी अच्छा लंबा है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा चार्जर है हमारा। आउटपुट है इसका 8.4 वोल्ट्स का, काफ़ी अच्छा है ये। इसके बाद हमारे पास यही चार्जर केस है, इसी के ऊपर जो है हमारी बैटरी जो है वो लगती है, इसी से ही चार्ज करना पड़ता है हमें। इसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट चीज़, हमारा टोटल स्टेशन। तो ये हमारा टोटल स्टेशन है, मैंने इसे देखा, काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है काफ़ी ना, कुछ 5 किलो का है, अच्छा है। और मैं जब भी टोटल स्टेशन को उठाता हूँ मुझे हॉरर मूवीज की फीलिंग आती है, आप लोगों ने देखा होगा रामू काका टाइप्स ऐसे लेके घूमते रहते हैं लालटेन, उस तरह से लगता है हमें टोटल स्टेशन। और अभी इसे हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले ऑन करके देख लेते हैं, ऑन करना है और इसके जो हमारे टेंजेंट स्क्रूज है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टेंजेंट स्क्रूज है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू, वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसे लॉक करूंगा ये रोटेट होना बंद हो जाएगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि अभी रोटेट नहीं हो रहा है, इसे मैं जैसे फ्री करूंगा ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसे आप लोगों ने लॉक कर लिया और फिर उसके बाद आप इसे छोटे वाले हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू नॉब को अगर आप रोटेट करोगे तो ये हल्का हल्का रोटेट होगा, शायद आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मुझे समझ में आ रहा है अच्छा रोटेट हो रहा है। इसके बाद इसे थोड़ा फ्री करके मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, ये वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू है। इसका वर्क ये होता है कि ये जो हमारा लेंस है इसे रोटेट करे पूरी तरीके से। अभी आप लोग देख रहे हो कि पूरी तरीके से रोटेट हो रहा है और जैसे मैं इसे लॉक करूँगा ये लॉक हो जाएगा, तो ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसके बाद हमारे जो स्क्रूज़ है, एडजस्टिंग स्क्रूज़ है, ये भी मुझे वर्क करते हुए अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखने वाले थे हमारे हाई टारगेट की बैटरी की, क्योंकि हमेशा हाई टारगेट में 2 बैटरीज आती है, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने सोचा था कि यहाँ पर और एक बैटरी होगी, तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर और एक बैटरी है, बहुत बढ़िया, सनवे की ही बैटरी है ऐसी रंग। और इस तरीके से इसे हम लोग लगा देंगे वापस। अब हम लोग इसे पावर बटन से ऑन करेंगे, ऑन हो गया हाई टारगेट ZTS 320R, बढ़िया। अब ये थोड़ी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी, तो हमेशा लाइट ऑन करने के लिए स्टार, स्टार के बाद यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे, लाइट, टिल्ट, लेज़र, पैरा, तो लाइट में F1 में चला जाऊँगा मैं। F1 में जाने के बाद अगर ये इसका आपको ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फुल ब्राइटनेस में रखते हैं इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है, बढ़िया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आप लोग एस्केप हो सकते हो, एस्केप होने के बाद आप लोग इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्जन दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद EDM वर्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे चेक करना होगा, आप लोगों को जो बिल मिलेगा उसमें भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप लोग बैटरी देख सकते हो, बैटरी भी ऑलमोस्ट फुल ही है, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट भी नहीं पूरी तरीके से फुल है, काफ़ी अच्छा सिग्नल है ये भी। चलिए अब इसे स्केप करके बंद कर देते हैं हम लोग। अब बंद कैसे करना है, पावर बटन और उसके बाद एंटर, ये हो गया बंद।
तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा मैनुअल के बारे में देखते हैं कि मैनुअल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हाई टारगेट यूज करते वक्त। जैसे आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले तो हाई टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ZTS-320R टोटल स्टेशन। इसके बाद यहाँ पर परचेसिंग के लिए थैंक यू कहा गया है। इसके बाद जैसे हम लोग मैनुअल में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे द ऑपरेटिंग स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉमन सेटिंग्स मेन्यू ट्री के बारे में बताया गया है, जो कि इसके अंदर फंक्शंस है सर्विंग, स्टेकआउट, फाइल मैनेजर, प्रोग्राम ऑप्शंस, एडजस्ट और बाकी सभी। इसके बाद हमें जो डिस्प्ले के कीज़ के बारे में, कीज़ फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि ANG क्या होता है, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, मेन्यू। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सिम्बॉल्स के बारे में बताया गया है। काफ़ी अच्छा है, इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर, क्योंकि अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है तो उसे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद सेट वर्किंग कीज़ के बारे में बताया गया है कि स्टेशंस क्या होता है, BBS क्या होता है, और आगे इसी तरीके से कोऑर्डिनेट का ट्रांसमिशंस, और लास्ट में हमें स्टेकआउट के लिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारी मैनुअल है ये काफ़ी बेसिक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही हाई टारगेट का टोटल स्टेशन यूज़ होता है, क्योंकि ये एकदम बेसिक होता है। तो कोई अगर इसे सीख ले तो ये आगे के जितने भी ऑटोमेटेड और रोबोटिक टोटल स्टेशन आने वाले हैं उन्हें भी आसानी से यूज़ कर सकता है, और अगर उसे कोई बेसिक टोटल स्टेशन भी यूज़ करने के लिए मिले तो वो भी उसे यूज़ कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर जो है एजुकेशन के लिए हमारा हाई टारगेट का ZTS-320R ही यूज़ किया जाता है। टोटल स्टेशन के साथ ही में हमें जो है वो इसका एक प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है, जो हमें यूज़ करना है जैसे ही बारिश शुरू होती है। हमें सबसे पहले जो है टोटल स्टेशन को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से आप इसे जो है प्रोटेक्ट कर लोगे जैसे बारिश आप लोगों को साइड के ऊपर होती हुई दिखाई दे, क्योंकि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। आप लोग इसे बचाओगे तभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है हमारा टोटल स्टेशन, तो इसका पूरी तरीके से कैलिब्रेशन खराब हो जाता है, इसके अंदर पानी गया मतलब ये खत्म। तो चलिए आप डालते थोड़ी बिल पर रोशनी। ये हमें बिल दिया है सैंकन वालों ने, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, सिविल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले हाई टारगेट मिल रहा था, वो हमने चेक कर लिया। डाटा डाउनलोडिंग केबल जो मैंने आप लोगों को बताया वो भी है। फाइबर ग्लास टेलीस्कोपिक ट्राईपॉड ये भी हमें मिला है, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा आपको। सर्कुलर प्रिज्म विथ होल्डर ये भी है हमारे पास। प्रिज्म पोल भी है 2.5 मीटर का, अभी और दिखाऊंगा आपको। और प्रिज्म पोल ट्राईपॉड भी है। तो चलिए ठीक है, ये तो बढ़िया है। हमें यहाँ पर साइन करना होगा लास्ट में जब हम लोग सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। तो उसी के साथ साथ हमें एक प्रिज्म भी मिला है। प्रिज्म के भी बहुत अच्छा केस दिया है इन्होंने, क्योंकि प्रिज्म काफ़ी जो होता है डेलिकेट होता है, थोड़ा सा भी डैमेज और प्रिज्म का ग्लास टूट जाता है। काफ़ी अच्छा प्रिज्म है, प्रोटेक्शन के साथ आया हुआ है, और मुझे किसी भी तरह का डैमेज नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर प्रिज्म में। ठीक है, किसी भी तरह का डैमेज नहीं है, बहुत बढ़िया। इसे हम लोग वापस रखते हैं। प्रिज्म पोल और बाकी सारी चीज़ें हम लोग जो है अब इसकी चेक करेंगे, हम लोग इसे वापस रख देंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं और टोटल स्टेशन को सेट करके देखते हैं, क्योंकि तभी हम लोग इसे सही तरीके से चेक कर पाएंगे। सो इंजीनियर्स, हमने हमारा टोटल स्टेशन को सेट कर दिया है ट्राईपॉड पर, ये हमारा ट्राईपॉड है, इसे भी चेक किया मैंने, एकदम सही है। और अगर टोटल स्टेशन को कैसे सेट करते हैं कम से कम टाइम में, अगर आपको सीखना है तो आई बटन में आप लोगों को ऊपर आई बटन दिखाई दे रही होगी, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ टोटल स्टेशन को सेट कैसे करना है उसकी वीडियो की। हम लोगों को कैलिब्रेशन चेक करना है तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने जो प्रिज्म पीछे खड़ा किया हुआ है इसे हम लोग देखेंगे कितनी दूरी पर है। लगभग मेरे हिसाब से कुछ 9 से 10 मीटर की दूरी पर होगा ये, तो इससे ही चेक करके देख लेते हैं, और इससे कैलिब्रेशन भी एकदम चेक हो जाएगा। आप कैलिब्रेशन कैसे चेक हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है एक तो सही आना चाहिए, दूसरा ये 3 सेकंड से कम में आना चाहिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं, इसका डिस्टेंस मेजर करके देखते हैं हमारे टोटल स्टेशन से। और अभी हम लोग डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोगों को नॉन प्रिज्म से प्रिज्म पर करना होगा, क्योंकि मैं प्रिज्म से मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रिज्म आ गया, इसके बाद मैं एंटर करूँगा, सेव हो चुका है, और अब मैं मेजर करने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने मेजरमेंट चेक किया हुआ है, तो यहाँ पे वो मेजरमेंट दिखा रहा है, अभी मैं प्रिज्म का चेक करने वाला हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने प्रिज्म के ऊपर पूरी तरीके से सेट कर लिया इसे, अब मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पे मेजर की कमांड है F2 पर, F2 दबाऊंगा, और लगभग देखा आपने 3 सेकंड से कम में ही, लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इसने जो है डिस्टेंस को मेजर कर लिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका कैलिब्रेशन एकदम सही है।
तो हम लोग इसका हैंडओवर अभी ले सकते हैं क्योंकि हमने पूरे तरीके से जो है टोटल स्टेशन को चेक कर लिया है। तो इंजीनियर्स अब देखते हैं प्रिज्म को। जैसे मैंने आप लोग इसके पहले भी दिखाया हुआ, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म रॉड है, इसी के ऊपर जो हम प्रिज्म को सेट करेंगे। प्रिज्म रॉड हमारा जो है वो 1.5 मीटर का होता है, 150 सेंटीमीटर का। जैसे आप लोग देख रहे हो ये हमारा प्रिज्म स्टैंड है, ये भी हमने ऑर्डर किया था। और इसी के साथ साथ स्टैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है स्टेक आउट में, क्योंकि हमें तब जो है वो प्रिज्म का बबल भी सेट करना होता है और मैन्युअली इसे सेट करके रखना मुश्किल जाता है, तो स्टैंड इसमें हेल्प करता है। तो इंजीनियर्स आप लोग देख सकते हो जैसे ये हमारी जो प्रिज्म रॉड है वो भी पूरे तरीके से सेंटर में है, और इसे सेंटर में रखने के लिए हमारी हेल्प कौन कर रहा है, हमारा ये प्रिज्म स्टैंड। तो इसलिए ये जो है हमारा प्रिज्म स्टैंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्टेक आउट के समय, तो ये पूरे तरीके से सेंटर में रहना चाहिए। तो इंजीनियर जैसा आप लोगों को पता है कि हमने टोटल स्टेशन को पूरे तरीके से चेक कर लिया है और इसका कैलिब्रेशन भी चेक कर लिया, पूरे तरीके से जो है हमारा टोटल स्टेशन सही है। तो अब हम जो है हमारे बिल के ऊपर साइन करेंगे और इसका हैंडओवर ले लेंगे। तो चलिए हम लोग हमारा हैंडओवर ले लेते हैं। सो इंजीनियर्स ऐसे और टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।